आज हमारे पास एक कैंडिडेट आए हैं, हम आज उनसे मिलाते हैं, बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ पी है। कहाँ से आए आप? मैं केरला से आया हूँ, पालक्काड डिस्ट्रिक्ट से। तो जलंधर आप पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं अभी पहली बार आ रहा हूँ। तो आपका कौन सी एंट्री थी आपकी? मेरी थी NDA 150। ठीक है, कैसी रही आपकी NDA की अब तक? अब तक मेरा जो प्रीवियस अटेम्प्ट था, पिछली बार मैं स्पिन आउट हुआ, इस बार मैं आ गया जलंधर में स्पिन आउट कैंडिडेट हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट था। जब बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं वो बड़े टूट जाते हैं, तो उनका मूड बहुत ऑफ हो जाता है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैसे अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग बनाए? तो आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है? देखो, ये जो स्क्रीनिंग होती है, जो फर्स्ट ईयर जो स्क्रीनिंग होती है, उसमें आपका भी एक हाथ है और थोड़ा सा लक भी थोड़ा काम कर ही रहता है, क्योंकि एज मोस्ट ऑफ यू नो, उसमें तो मिलता है एक DIPR क्वेश्चनियर नंबर, और वो एक अच्छा नंबर, मतलब एक अच्छा सेट मिला तो आपका अच्छा स्क्रीनिंग जाएगा, एक OIR जो होता है अच्छा स्क्रीनिंग जाएगा। और PPTT तो डिस्कशन पार्टी है, स्टोरी तो आप लिख लो अपने अपनी मर्जी में लिख लो, डिस्कशन पार्ट में आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चन ये होते हैं कि आजी हमने बहुत अच्छा किया था, सब कुछ बढ़िया था, हमें वो कुछ बताते नहीं हैं, तो ऐसे आपको लगता है कि पता लग जाता कि हमारे अंदर जो कमी थी, जिसके बारे बताएं? मोस्टली बच्चों का यही कहना है कि वो कुछ बताते नहीं, हमें अपनी गलती वो बताते नहीं, हम क्या चीज़ आके इम्प्रूव करें, कहाँ हमसे गलती हुई है, इसके विषय बारे आप कुछ बताएं। तो इसके बारे में बात करूँ तो वो सच है कि वो हमको कुछ नहीं बताते, वो बस हमारा रिजल्ट बताते हैं, हम इन है आउट, ये हमें पता चल गया। बाकी जो हमें जहाँ गलती हुई है, हमें क्या वर्क करना है, हमारे अंदर क्या कमी है, वो हमें ही ढूंढना है। मतलब उन्होंने हमें आउट किया होगा तो कुछ तो कमी हमारे अंदर ही है, ना कि हमारे अंदर कुछ कमी नहीं है और उन्होंने आउट कर दिया, वो कभी भी ऐसे नहीं करते। हमारे अंदर ज़रूर कुछ कमी है जो कि थोड़ा सीरियस हो सकता है, तो उस कमी को हमें इम्प्रूव करना है, अगर उसको इम्प्रूव किया तो वो खुशी खुशी हमको रिकमेंड करते हैं। जैसे अभी आप NDA में कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, आगे आपका कोई बैच है NDA का आगे? अब आगे बैच आ रही है सर। आपका है बैच NDA का? अब तो ये तो मेरा लास्ट रूम, इसके बाद आपका क्या प्लान है? अब मैं TS का फॉर्म भरा है, वो मेरा आर्मी का आज इलाहाबाद से निकल है। आप आर्मी में ही क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि मेरे पापा तो एक सर्विस मैन है, मुझे लाइक आर्मी ज्वाइन करना है एज एन ऑफिसर, ये मेरा फिफ्थ से ही एक ये था, सपना था, मेरा ड्रीम था फिफ्थ से ही, मतलब फिफ्थ से ही मेरा एक ड्रीम था कि मैं आर्मी में ज्वाइन करूँ एज एन ऑफिसर, और उनका यूनिफॉर्म की चमक जो है वो भी मुझे मतलब अट्रैक्ट किया है, उसमें वो चमक ने भी मुझे अट्रैक्ट किया। सो ये दो रीज़न, बेसिकली इस दो रीज़न की वजह से मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ एज एन ऑफिसर। आजकल जो नई जनरेशन है, नया यूथ है, जहाँ लड़की ला लो जहाँ बॉयस जितने भी है, वो सब कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनका सबका है, पंजाब तो वैसे ही NRI हब है, तो जो बच्चे अब NRI बन रहे हैं, बाहर सेटल हो रहे हैं, उनके बारे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, बेसिकली ये तो सबका चॉइस है, वो तो ठीक है, बट अगर बाहर कर रहे हो तुम वर्क, पैसे भी हो, वो तुम देश में, यहाँ देश में रह रहे हो और बाहर वर्क कर रहे हो, तो हमारे देश के लिए शायद से थोड़ा वो जो वर्कफोर्स है वो थोड़ा सा शायद से कम हो जाता है। आपको यहाँ भी वर्क मिल जाएगा, आपका पोटेंशियल है, अगर आगे कुछ गवर्नमेंट ने ठीक से मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी सबको दिया है तो ज़रूर आप यही करोगे, तो हमारे देश तो वैसे आगे बढ़ सकता है। अगर आप यहाँ वर्क कर रहे हो, आपकी पोटेंशियल यहाँ इस देश में लग रही है, तो ये देश आगे बढ़ सकता है। आर्मी में जाने के लिए सैनिक स्कूल में पढ़ना कंपल्सरी है, जहाँ आपके आर्मी में पेरेंट्स होता है वही आर्मी में जा सकते हैं, ऐसा कुछ है? ये दोनों क्राइटेरिया बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। सैनिक स्कूल जस्ट हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा बढ़ा देता है, बस उतना ही वो करता है, मतलब हमें जो जो
जो आर्मी का आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी डिफेंस, एक एनवायरनमेंट हमें वहाँ मिलता है, बस उतना ही है। अगर बंदा सिविल से भी हो या आर्मी बैकग्राउंड से भी हो, दोनों सेट हो जाते हैं, बस उनको हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ है वो उनकी उनसे मैच करनी चाहिए। जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो मोस्ट ऑफ यू तुम लोगों ने सुना ही होगा, ऑयल क्यू बोलते हैं 15 ऑयल क्यू, वो मैच होनी चाहिए, बस उतना ही है। चाहे वो सिविल बैकग्राउंड से हो, मिलिट्री बैकग्राउंड से हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कैंडिडेट इक्वली है उनके साथ। आप जलंधर में पहली बार आए, कहाँ रुके थे? मैं जलंधर में रुका था चीमा SSB डॉट। आप होटल में क्यों नहीं रुके, डॉर्मेट्री में रुके? मुझे होटल मैंने पहले चूज़ नहीं किया, क्योंकि चीमा SSB डॉर्मेट्री जो है मुझे एक घर का माहौल मिला सच में, क्योंकि उन्होंने हमें, अगर आप होटल में रुकते तो आपको अपना ही खर्चा करना पड़ता, अगर सेंटर जाना तो अपना ही खर्चा, अपने ही मतलब एक्सपेंस में करना पड़ता, अपने मतलब वो आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बट चीमा जो SSB डॉर्मेट्री है वो आपको सब कुछ अरेंज करके देती है, चाहे वो खाना हो, वाईफाई हो, ट्रैवलिंग हो, कुछ भी हो, सब कुछ वो आपको अरेंज करके दे देती है। इसलिए मुझे लगा कि चीमा SSB डॉर्मेट्री थोड़ा सा और अच्छा है। और एक और रीज़न है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अफोर्डेबल, बहुत अफोर्डेबल। तो आगे क्या प्लान है आपके? मेरा तो आगे प्लान है, एक तो ATS एंट्री, और मैंने एक साल बेसिकली ड्रॉप ले रखा है, अब मुझे कॉलेज ज्वाइन भी करना है। ATS हो जाए तो हो जाए, और नहीं है तो अपनी कमियां जो भी है उसके ऊपर वर्क करूँगा और आगे फिर से ऐसे भी। कई बार बच्चे जैसे स्क्रीन उड़ोते हैं या कॉन्फ्रेंस उड़ोते हैं, काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, फैमिली का बहुत प्रेशर होता है, उसके बारे में बताइए, फैमिली का कैसे होना चाहिए? यदि बच्चा इनके साउट होता है, फैमिली का बहुत इसमें महत्व होता है। इसलिए जो मतलब फैमिली ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन आपसे रख देती है, बट ये SSB है, SSB मतलब बाकी JEE नीट वैसा नहीं है। JEE में अगर हमने ठीक से पढ़ लिया हमारा अच्छा पर्सनल बनेगा, नीट भी वैसा ही है। अगर जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, अब देख लो NDA एंट्रेंस एग्ज़ाम भी वैसा ही है, आपने अच्छे से पेपर की तैयारी की है, हो जाए पेपर क्लियर हो जाएगा। बट SSB वैसे एक चीज़ नहीं है, वो आपकी क्वालिटी देख रहा है, ना कि वो एक टेस्ट नहीं है। मतलब अलग अलग लोग भारत से दूसरे अलग अलग जगह से आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं केरला से आया हूँ, और मैं यहाँ हरियाणवी और पंजाबी बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ, तो अलग अलग लोगों का अलग एक पर्सपेक्टिव होता है। बट वो पर्सपेक्टिव जो है वो आर्मी से मिलना चाहिए, बस उनको वही देखना है, तो ये एक एग्ज़ाम जैसा नहीं है। तो इसका प्रिपरेशन मतलब जो करंट अफेयर्स है वो सब तो प्रिपेयर कर लो, बाकी सब तो आपकी क्वालिटी है। NDA में कब बच्चा जा सकता है, कौन सी एज से लेके एज तक NDA जा सकता है, तो उसमें उसके मार्क्स कितने होने चाहिए, उसको कितने NDA में, इसके बारे में बताइए कुछ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द एज लिमिट, वो तो आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा कि 16.5 to 19.5 एट द टाइम ऑफ ज्वाइन, और उसका 12th भी कंप्लीट होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप रिटर्न ही देना शुरू कर दो 15.5 पे, क्योंकि रिटर्न जितना देते हो उतना एक्सपीरियंस मिलता है। अगर हो भी रिटर्न हुआ भी नहीं तो अगली बार तो आप कर ही सकते हो, मतलब ऐसा पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो पेपर आप प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। जब टाइम आता है आप रिकमेंड हो ही जाओगे, SSB दे देंगे, रिकमेंड हो ही जाओगे। इसमें गर्ल्स भी जा सकती है? जब स्टार्ट होता है इसमें गर्ल्स भी जा सकती हैं? हाँ, गर्ल्स जा सकती है। गर्ल्स का है सेम लिमिट है, सेम एज लिमिट है, सबका सेम है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जा सकते हैं। कितने अटेम्प्ट दे सकते हो? वो तो आपके एज लिमिट में रहेगा, शायद से 6 या 7 अटेम्प्ट हो सकते हैं। कितनी एज से एज तक? मतलब 16.5 to 19.5 की है जॉइनिंग एज, सो रिटर्न का एज है 15.5 to 18.5, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो ऑलमोस्ट 8 या 9 महीने में बनता है। इनके बोर्ड कहाँ कहाँ हैं? अगर आप आर्मी के देख रहे हो तो 4 जगहों पर है, एक तो है जलंधर जो कि है सेलेक्शन सेंटर नॉर्थ, और एक है सेलेक्शन सेंटर ईस्ट विच इज़ लोकेटेड इन अलाहाबाद, और एक है सेलेक्शन सेंटर साउथ विच इज़ इन बैंगलोर, और एक है सेक्शन सेंट्रल सेंट्रल, वो है भोपाल।
आप कौन कौन सी बोर्ड में गए हैं अब तक? मैं पहले प्रीवियसली बैंगलोर गया था और मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में मैं जालंधर आया। अच्छा, कौन सा लगा बोर्ड? मुझे जालंधर ही लगा है क्योंकि मैं यहाँ से एक्सपीरियंस हुआ हूँ। बैंगलोर क्योंकि अच्छा है, सभी बोर्ड अच्छे ही है क्योंकि उनको उनका जो सोल एम्बिशन जो होता है बच्चे को सेलेक्ट करना है, अगर उसके अंदर जो क्वालिटी है तो उसको सेलेक्ट करना ही है। सब बोर्ड्स की वही है, सेम काम है सबका। जब आपके पिताजी को पता चला आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए तो उनका क्या था क्वेश्चन? बस उन्होंने बोला कि अगली बार फिर से ट्राई करो और जो इस बार जो गलती हुई है, जो क्वालिटी अगर हमारे अंदर हिडन है तो उसको बाहर निकालो, क्योंकि सबके अंदर एक एक क्वालिटी रहती है जो वो हिडन रहती है हमारे अंदर, वो अगर हमने बाहर नहीं निकाला तो वो हमारी गलती हो सकती है। आप स्पोर्ट्स भी करते हो साथ में कोई? हाँ, स्पोर्ट्स में कैजुअली खेलता हूँ। कितना टाइम पढ़ना चाहिए बच्चों को जो एनडीए में जाना चाहते हैं, जो आ रहे हैं, पढ़ाई कितना टाइम पढ़ना चाहिए, क्या क्या करें वो एनडीए में हो जाएं? अगर आप रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 3-4 घंटे में, और डेली 3-4 घंटे कर लो बस। उसमें मेनली आपको करना है मैथ्स, क्योंकि 300 मार्क्स का है और जो GAT पेपर है वो 600 मार्क्स का है, और उसमें जो मैथ्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, मैथ्स थोड़ा मतलब हाई लेवल पूछा जाता है, टाइम कंस्ट्रेंट भी है, हाई लेवल भी है, तो कैंडिडेट होता है वो प्रेशर में पड़ जाता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके लिए मैथ्स थोड़ा ज़्यादा आपको फोकस देना ही पड़ेगा। कोचिंग लेनी जरूरी है इसमें? कोचिंग मतलब वो आपकी चॉइस है, अप टू यू। अगर आपको मैथ्स अच्छे से हो रहा है, आपसे मतलब बहुत अच्छे से आप मैथ्स कर पा रहे हो, क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो कोचिंग इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर नहीं है करने पड़े तो कोचिंग लेने की ज़रूरत ही है, जरूरत पड़ सकती है उसकी। हाँ हाँ, ये तो हो गया आपका स्टडी का, SLB का। आप कुछ थोड़े डिफरेंट से पूछ लेते हैं ताकि जो जो सुनने वाले वो कुछ। जालंधर के में आपको क्या अच्छा लगा? कहाँ जालंधर कुछ घूमा आपने, देखा कुछ? बेसिकली मैंने अभी घूमा था, एक तो गुरुद्वारे में गया था जो कि सीमा SSB की डॉमेट्री मुझे लेके गई। कौन सा गुरुद्वारा था? वो मुझे वैसे उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है, बट मैं गया था, मतलब वो मुझे याद नहीं, और एक देवी माता मंदिर में भी लेकर गए। वहाँ क्या था गुरुद्वारे में, कुछ क्या कुछ याद है? हाँ, उधर मतलब हमें पहले तो स्ट्रेस दूर हो जाता है हमारा, जब प्रार्थना करते हैं हम, स्ट्रेस पहले तो दूर हो जाता है, प्रसाद भी मिलता है, लंगर भी आपको मिल जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, मतलब आपको एक अंदर एक मोटिवेशन मिल जाता है। आपने गुरुद्वारा घूमा, मंदिर जाके आए, तो आप मैंने सुना आप गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं। हाँ, मैं प्लान कर रहा हूँ गोल्डन टेम्पल का, उसके बाद फिर आप मूव केरला करेंगे, केरला वापस जालंधर कब आएंगे फिर दोबारा? लास्ट क्वेश्चन है, लगता है होपफुली जब आर्मी ऑफिसर बनूंगा जालंधर पोस्टर हो ही जाऊंगा। सबकी ब्लेसिंग है कि आप यूनिफॉर्म पहन के आए, आपने इतना समय निकाला, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।